अंकिता लोखंडी अपने काम से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के चलते अंकिता को सुनना पड़ रहा है भला और बुरा। अंकिता इस ट्रोलिंग से काफी ज्यादा परेशान हो गई है और इस दौरान अंकिता ने किया एक लाइव सेशन जहां पर सुशांत के फैंस से अपील की। अंकिता ने हाथ जोड़कर और कहा कि उस अंकिता लोखंडे की छवि को फैंस खराब ना करें। अंकिता इस दौरान कहती नजर आई कि जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती मैं फॉलो नहीं करती, लेकिन मैं दूसरों के अकाउंट पर जाकर उनको गलत शब्द भी नहीं कह सकती। लाइव सेशन के दौरान अंकिता ने अपनी तकलीफ लोगों के साथ शेयर की। अंकिता ने बताया कि सोशल मीडिया पर लोग गंदे गंदे कॉमेंट करते हैं, उन्हें काफी बुरा लगता है और इसका असर उनकी फैमिली पर भी पड़ता है। इसके साथ अंकिता ने अपील की है कि उन्हें जज ना किया जाए क्योंकि कोई भी उनकी कहानी नहीं जानता। लाइव सेशन के दौरान अंकिता ने यह भी कहा कि लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है, वो उन्हें ब्लेम कर रहे हैं जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। बता दें कि अंकिता अक्सर अपने डांस और फोटोज फैंस के साथ शेयर करती है जिस पर लोग गंदे कमेंट्स करते हैं। इस पर अंकिता काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और लाइव सेशन के दौरान अंकिता ने सबसे अपील की। अंकिता ने सोशल मीडिया के जरिए सबसे कहा कि अगर उन्हें अंकिता से कोई प्रॉब्लम है तो सब अंकिता को अनफॉलो कर दें। अंकिता ने बताया कि उन्हें ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता लेकिन इसका असर उनकी फैमिली पर पड़ता है जो कि अंकिता को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वीडियो में अंकिता के साथ उन्होंने के रिश्ते पर भी सफाई दी। अंकिता ने कहा कि जो लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हैं वो रिश्ते जानते ही नहीं है ये शायद। अगर इतना ही आपको प्यार था तो आप क्यों नहीं लड़ रहे, पहले कहां थे आप लोग जो सारी चीजें खत्म हो रही थी हमारी लाइफ में, आज मुझे ब्लेम किया जाता है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अंकिता ने सुशांत को लेकर भी बात रखी। बता दें कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है तब से लोग अंकिता की जिंदगी पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रॉल कर रहे हैं। तो यह है पूरी खबर अंकिता लोखंडे को लेकर। नेक्स्ट नाइन लाइव सुरजनी की रिपोर्ट।